अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टैली प्राइम के इस अध्याय में आप सीखेंगे क्रेडिट परचेस सेल्स पर ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था इंटरेस्ट किसे कहते हैं, टैली प्राइम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर को कैसे इनेबल करते हैं, लेजर्स पर इंटरेस्ट पैरामीटर्स कैसे सेट करते हैं और किसी पार्टी को ब्याज पर लोन देने की एंट्री कैसे करते हैं और उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अब शुरू करते हैं आज का अध्याय। हमने पिछली वीडियो में जिस कंपनी में काम किया था वही कंपनी यहां ओपन कर ली है। यहां हम आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हमने जो इंटरेस्ट पैरामीटर्स देखे थे वो पैरामीटर्स और सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और इस वीडियो में हम आपको इन्हीं के बारे में समझाएंगे। हम क्रेडिट सेल्स का एक उदाहरण ले रहे हैं। हमने 1 अप्रैल को कस्टमर दीपक ट्रेडर्स को बीपीएल टीवी 20 इंचेस के 4 नग 25,000 रुपए प्रति नग के भाव से उधार बेचे। माल बेचते समय हमने उसे कहा कि आप हमें जितने दिन में पेमेंट करेंगे हम उसके लिए आपसे 1% पर मंथ की दर से ब्याज लेंगे। कस्टमर हमारी बात से सहमत हो गया और हमें बिल बनाने का बोला। इस सेल्स की एंट्री करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा बिल वाइज डिटेल ऑप्शन चालू है या नहीं। उसके लिए F11 प्रेस करेंगे। ये देखिए, इनेबल बिल वाइज एंट्री ऑप्शन यस ही है। यदि आपके टैली में ये नो हो तो पहले इसे यस कर लें, अन्यथा सेल्स परचेस की एंट्री करते समय आपके सामने बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन नहीं आएगी जो कि जरूरी है और इसका क्या कारण है ये हम आपको बाद में बताएंगे। बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन क्या है इसके बारे में हम आपको अपनी वीडियो नंबर 61 से लेकर 66 तक में डिटेल में बता चुके हैं। चलिए अब सेल्स एंट्री कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और खास बात ध्यान रखें, F12 की प्रेस करके ये देख लें कि यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन ऑप्शन नो होना चाहिए। यदि यस हो तो उसे नो कर दें। यदि हम इसे नो नहीं करते हैं तो आगे काम करते समय बिल वाइज डिटेल्स की विंडो नहीं आएगी। चलिए डेट चेंज कर लेते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में हमें दीपक ट्रेडर्स का लेजर सिलेक्ट करना है। ये लेजर बना हुआ नहीं है तो पहले इसे क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप करेंगे दीपक ट्रेडर्स, अंडर में सन्ड्री डेटर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस ही रखना है और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। चूंकि हम दीपक ट्रेडर्स के लेजर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं इसलिए इसे यस करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। एक और बात, यदि आपने पहले से किसी पार्टी का लेजर बनाया हुआ है और आपको अब उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू करना है तो उसके लेजर को ऑल्टर करके उसमें एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना होगा। ये देखिए, हमारे सामने इंटरेस्ट पैरामीटर्स की विंडो ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। यदि हम किसी देनदार या लेनदार के लेजर में इसे यस करते हैं तो हम उससे जितने भी ट्रांजेक्शंस करेंगे यानी जितने भी परचेज या सेल करेंगे उन सभी के लिए अलग अलग ब्याज की कैलकुलेशन की जा सकती है। हम इसे यस कर रहे हैं। यहां पर एक बात का ध्यान रखें, प्रत्येक ट्रांजेक्शन यानी प्रत्येक परचेस या सेल के लिए अलग अलग ब्याज की कैलकुलेशन करने के लिए यह ऑप्शन तभी काम करता है जब आपने लेजर में मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस किया होगा। अब एंटर प्रेस करेंगे। देखिए, इसको यस करते ही नीचे एक ऑप्शन आ गया है, ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन। अभी हम इसे नो ही रहने दे रहे हैं। अब बात करते हैं नीचे के इन सभी ऑप्शंस के बारे में। इन सभी के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं इसलिए इन्हें अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को जरूर देख लें। यहां पर हम पिछली वीडियो में बताए अनुसार इन दोनों को नो ही रहने दे रहे हैं। रेट में 1%,
यहाँ कैलेंडर मंथ और यहाँ डेबिट बैलेंस ओनली सिलेक्ट कर रहे हैं और इस लेजर क्रिएशन स्क्रीन को भी सेव कर लेते हैं। यहाँ सेल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आइटम, यहाँ क्वांटिटी और यहाँ रेट। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ बिल वाइज डिटेल्स में न्यू रेफरेंस आ रहा है, हमें यही चाहिए। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम इस बिल को सेव कर लेते हैं। दीपक ट्रेडर्स 1 मई को आया और बोला कि मुझे आपको ब्याज सहित कितने रुपए देना है ये बताइए। हमने गोटू पर जाकर टाइप किया इंटरेस्ट। यहां से लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर जाकर एंटर प्रेस किया और यहां पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, पीरियड चेंज किया। देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट दिखाई दे रही है, इसे डिटेल में देखने के लिए ऑल्ट के साथ F5 की प्रेस करें। ये देखिए यहां पर आप डिटेल रिपोर्ट देख सकते हैं। हमने इसे देखकर कस्टमर को बताया कि 1,00,000 बिल के और 1,000 रुपए ब्याज के हुए हैं। कस्टमर ने हमें 1,01,000 रुपए दे दिए। अब आइए देखते हैं कि टैली में इसकी एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो इंटरेस्ट लेना है उसकी एंट्री जर्नल वाउचर या डेबिट नोट वाउचर में करनी होगी। हम जर्नल वाउचर ओपन कर रहे हैं। डेट चेंज करेंगे, डेबिट में दीपक ट्रेडर्स का लेजर सिलेक्ट करेंगे, यहां इंटरेस्ट का अमाउंट टाइप करेंगे। ये देखिए बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन आ रही है। चूंकि ये इंटरेस्ट हमें सेल बिल के अगेंस्ट प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहां हम अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। ऐसा करते ही यहां हमें वो बिल दिखाई दे रहा है जिस पर हमें इंटरेस्ट लेना है। ध्यान रखें यहां हमें ये बिल सिलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो ये इंटरेस्ट इस बिल के साथ एड नहीं होगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ बिल का पूरा अमाउंट आ रहा है। चूंकि हमें इंटरेस्ट को दीपक ट्रेडर्स के बिल के साथ ऐड करना है, या कह सकते हैं कि इंटरेस्ट का अमाउंट दीपक ट्रेडर्स के लेजर में डेबिट करना है, तो उसके लिए यहाँ इंटरेस्ट अमाउंट टाइप करेंगे, यहाँ CR की जगह DR टाइप करेंगे और क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। अब इस वाउचर को सेव कर लेंगे। इस तरह हमने इंटरेस्ट की एंट्री कर ली है। अब पार्टी ने हमें जो 1,01,000 रुपए दिए हैं उसकी एंट्री रिसीट वाउचर में कर लेते हैं। ये अमाउंट हमें बिल के अगेंस्ट प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बिल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों साथ में जुड़कर आ रहे हैं। हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां हम कैश अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस वाउचर को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों इस अध्याय में आपने देखा कि क्रेडिट सेल परचेस पर सिंपल इंटरेस्ट पैरामीटर्स का उपयोग करते हुए इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और टैली में उसकी एंट्री कैसे करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको क्रेडिट सेल परचेस पर एडवांस्ड इंटरेस्ट पैरामीटर्स का उपयोग करते हुए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।